हम यहाँ पे 20 साल से 26 के साल सरकार जिंदा हो गया जब से मरा हुआ था। और लीगल है कि लीगल है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, रोजगार बेरोजगार क्यों नहीं दे रहा है? काम नहीं करेगा, जितना खराब काम होगा वही करेगा क्योंकि उसका बाल बच्चा नहीं है, घर नहीं है, इसीलिए करेगा ना। झूठ बना के क्या करेगा जो घर ही नहीं रहेगा? तो जू बनवाएंगे, जू बनवाएंगे साल ही रहेगा तो हाथ गोड़ा आदमी देखने आएगा। कितने लोगों को उजाड़ दिया, बनाने देंगे। घर से हम लोग नहीं जाएंगे, जो करना है कर ले। एक एक पसीना छुआ के बनता है घर। ये टाइम मकान बनाने का है, ये हमारा बच्चों का फ्यूचर देखने का है, मैं मकान बनाने। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। लखनऊ के अकबर नगर में घरों को जमींदोज करने के बाद अब मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लखनऊ के ही अबरार नगर, रहीम नगर, इंद्रप्रस्थ नगर और पंत नगर में भी घरों को तोड़ने की तैयारी तेज़ी से हो रही है। दरअसल कुकरैल रिवर फ्रंट के रास्ते में आने वाले करीब 3 किलोमीटर के दायरे में हुए निर्माण को ढहाया जाएगा। ऐसे में करीब 10,000 की आबादी बेघर हो सकती है। हालांकि इन इलाकों में रहने वाले लोगों का दावा है कि उनके पास रजिस्ट्री के कागजात हैं। अधिकारियों का कहना है कि अभी केवल मैपिंग कर रहे हैं। नदी के दोनों तरफ 50 मीटर के दायरे में आने वाले मकानों को चिन्हित किया गया है। सभी पेपर चेक कर रहे हैं। सर्वे में जिन घरों पर लाल निशान लगा रहे हैं उन्हें तोड़ा जाएगा। बता दें कि सोमवार से ये शुरू हुआ है और करीब 20 मकानों पर लाल निशान अब तक लगाया गया है। मकानों पर लाल निशान लगाने के बाद परिवार की आंखों में आंसू आ रहे हैं। वहीं महिलाएं अपने अपने घरों से रजिस्ट्री पेपर लेकर अधिकारियों को दिखा रही हैं और प्रशासन द्वारा होने वाली कार्रवाई का भी लोग विरोध कर रहे हैं। 25-26 साल के सरकार जिंदा हो गया जब से मरा हुआ था। मरा तो नहीं था ना, जिंदा था ना, तो उसको आना चाहिए था ना कि हाँ भाई ये वाला और लीगल है कि लीगल है, उसको कहना चाहिए था ना। आदमी नहीं घर बनाता। इतना लोग बेरोजगार हो रहे हैं, रोजगार बेरोजगार क्यों नहीं दे रहा है? किस लिए नहीं? रोजगार को रोजगार देना चाहिए ना। एक को रोजगार दे घर घर, वो नहीं देगा, वो नहीं देगा, वो काम नहीं करेगा ना, अच्छा काम नहीं करेगा। जितना खराब काम होगा वही करेगा क्योंकि उसका बाल बच्चा नहीं है, घर नहीं है, इसीलिए करेगा ना। उसका लड़का ठेलिया चला रहा है, सब्जी बेच रहा है, क्यों? रोजगार नहीं है उनके पास। रोजगार के उसका फ्यूचर के लिए कुछ सोच ही नहीं रहा सरकार ना, खाली तोड़ो जोड़ो यही सब काम कर रहा है। अरे जू बना के क्या करेगा जो घर ही नहीं रहेगा? तो हाथी या घोड़ा लेके लोग देखेगा तेरा? हाथी घोड़ा जू देखेगा? इंसान ही रहेगा तो हाथी घोड़ा आदमी देखने आएगा। नहीं दिख रहा है, लोगों को रोजगार नहीं दे रहा है। तो यहाँ जू बनवाएंगे, जू बनवाएंगे, जू बनवाएंगे, जू बनाएगा। कितने लोगों को उजाड़ दिया। जू बनवाए, आराम से जू बनाना है उनको, बनवाए। हम लोग बनाने ही नहीं देंगे, बनाने देंगे। घर से हम लोग नहीं जाएंगे, जो करना है कर ले, जो हम लोग घर से नहीं। मेहनत की कमाई लगी है, मेहनत से कमाई लगी है। एक एक पसीना छुआ के बनता है घर। घर बनाने वाला जाता है कैसे घर बनता है? कोई मुफ्त का थोड़ी आता है। पेड़ पे पैसा नहीं लगा रहता है कि तुम घर बनाओ। अभी सबको उजाड़ दे, बेरोजगार दे, कितने लोगों को हार्ट अटैक हो जाएगा सरकार? कितने लोग बीमार पड़ गए बताइए ना, उसको देखने आ रहा कि कितने लोग बीमार है, कितने हॉस्पिटल चले गए, कहाँ गए, नहीं गए, मर गए, जी रहे हैं, वो तो देखना है नहीं। उसको लाएगा नहीं, सबने नॉर्मली बात करें, कोई चिल्लाएगा नहीं, कोई चिल्लाएगा नहीं, कोई अपनी बातों से अब हमारा कोई वो नहीं है कि हमारा मकान बन सकता है। अब ये टाइम मकान बनाने का है, ये हमारा बच्चों का फ्यूचर देखने का है, मैं मकान बनाने। अब हम लोग ये बताइए, इतने 20 साल से 25 साल से हम लोग कहाँ जाएंगे? अब हम लोग तो कुछ नहीं है, अब हम लोग साथ कुछ नहीं लगा है, कहाँ मकान हम बनाएंगे कि बच्चों का फ्यूचर देंगे? आप कब से रह रहे हैं? हम यहाँ पे 20 साल से, बताइए क्या है? 20 साल से ऊपर बच्चे नहीं पढ़े, पढ़ाई नहीं, ये देखिए लक्ष्य है। 20 साल से LDA कहाँ था? नगर